हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंचायत समिति सदस्य आम चुनाव, भाजपा कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद उठे विरोध के स्वर। पंचायत समिति आम चुनाव 2020 के लिए नामांकन के अंतिम दिन भाजपा कांग्रेस ने अपने अधिकृत प्रत्याशियों के सिंबल सीधे ही आरओ के समक्ष पेश किए। इसी के साथ ही टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा व कांग्रेस में कार्यकर्ताओं में असंतोष पनपना शुरू हो गया। देवासी समाज ने गांधी सर्कल पर कांग्रेस नेता के खिलाफ जोरदार नारेबाजी का रोष जताया। नामांकन के अंतिम दिन भाजपा व कांग्रेस के अलावा निर्दलियों समेत कुल 102 नाम निर्देशन पत्र जमा हुए। जिला परिषद वार्ड संख्या 10 लाला राम देवासी का टिकट कट जाने पर देवासी समाज में जोरदार आक्रोश है, जिसको लेकर देवासी समाज ने भाजपा का विरोध किया। लाला राम देवासी ने बताया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था, लेकिन सुमेरपुर व बाली विधायक ने जिला परिषद चुनाव लड़ने के लिए मुझसे आवेदन जमा करवाया। बावजूद इसके पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की सूची में वार्ड संख्या 10 में किसी अन्य का नाम घोषित कर देवासी समाज को नजरअंदाज किया है, जिसका खामियाजा चुनाव परिणाम में पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये मैं देख रहा हूँ, प्रशासन सरकार के दबाव में और इससे ये सीधा सीधा कल 8 नंबर वार्ड का भी ये सेम जो मामला था वो हमने कांग्रेस के उम्मीदवार के प्रति जो है पूरा साक्ष्य पेश किया था। उसमें उसने जो है अपनी दो संतानें बताई थी, परंतु हमने जो है ओरिजिनल जो है स्कूल का सर्टिफिकेट जो है हमने पेश कर ऑब्जेक्शन किया था। उसमें कलेक्टर साहब ने जो है उस निर्णय को स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए उसको फार्म को स्वीकार किया। और 13 की जब बात आई उसमें उन्होंने, मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं जो है इनके ऊपर दबाव ये बुनियाद आरोप लगाया। अब मेवर हम जिनके से 3 बच्चे हुए और 3 बच्चों के खुद ने दूसरी की बात नहीं, खुद ने अपने एफिडेविट में जो वर्णन किया है उसी के आधार खुद ने ही खारिज करने का मसाला खुद ने तैयार करके दिया है। उसमें हमारा कसूर ही नहीं, ना मुझे तो पता ही नहीं इस बात का ही। अब यूँ ही मेवर हम का नाम ले रहे हैं। खुद को पूछो कि फार्म आपने भरा पहले फर्स्ट चुनाव में कहा कि मेरे एक बच्चा, जबकि बच्चा अब इसमें बता रहा है कि मेरे गत चुनाव में 3 बच्चे थे। अब इस ढंग की बात खुद ही अपने एफिडेविट में खुद अलग अलग लिख रहा है और उसके सबूत उनके पास थे। मेवाराम जैन यहाँ के कांग्रेस के विधायक यहाँ कलेक्ट्रेट आते हैं, सीधा एडीएम साहब की ऑफिस में घुसते हैं, वहाँ से मेरा ही फॉर्म, मेरा 13 नंबर वार्ड का फॉर्म उठा करके अंदर से निकाल के कलेक्टर साहब के चैम्बर में घुसते हैं और ठीक आधे घंटे बाद में बाहर आते हैं और बाहर से कहते हैं कि मैंने फॉर्म 2 रिजेक्ट करने के लिए कलेक्टर साहब को पाबंद कर दिया है और कलेक्टर साहब किसी भी हालत में फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। और उसके अंदर उन्होंने बहाने कई बनाए और जिस प्रकार से उन्होंने मेरा फॉर्म निरस्त करवाया है, मैं कह रहा हूँ एक तरह से ये लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश है और ये राजनीतिक द्वेष भावना है। और बाड़मेर का विधायक हमेशा ही शुरू से ही 5 साल मेरे को जातिगत भाव से, मैं जाति से जाट हूँ और जाटों से नफरत की भावना इसको है और जाट और राजपूतों को आपस में लड़ने का काम किया है और भाई से भाई को लड़ने का काम किया है तो बाड़मेर में मेरा विधायक ने किया है। इसकी नीतियाँ बिल्कुल ठीक नहीं है और ये जो व्यक्तिगत अधिकारियों को अपने फेवर में लेकर के उनके ऊपर दबाव बना करके जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।